इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुबन उदयपुर। उदयपुर में सोमवार को मनोनीत पार्षदों के दल ने वार्ड 67 का दौरा किया। वार्ड से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बच्चों के खेलने का गार्डन, रोल लाइट्स और सीवरेज की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। इस पर सोमवार को सभी मनोनीत पार्षद चमनपुरा पहुंचे और क्षेत्रवासियों की परेशानियां जानी। यही नहीं, हाथों हाथ कॉलोनियों में लाइट की समस्या का निस्तारण भी किया। क्षेत्रवासियों ने स्थानीय पार्षद पर भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जब भी पार्षद से मिलते हैं तो वह लोगों को कांग्रेस समर्थित होने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लेती है और क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे। जब भी क्षेत्रवासी किसी समस्या को लेकर पार्षद के पास जाते हैं तो उल्टा उन्हें कानूनी कार्रवाई में फंसाने की धमकियां भी मिलती है। ऐसे में सोमवार को क्षेत्रवासियों का आक्रोश भी फूट पड़ा। वहीं इस पूरे मसले पर जब हमने क्षेत्रीय पार्षद कुसुम पवार से बात की तो उन्होंने बताया कि क्षेत्रवासी बिजली के तारों पर आंकड़ियां डाल देते हैं जिससे हर दूसरे दिन रोड लाइट फ्यूज हो जाती है। पार्षद ने बताया कि क्षेत्रवासी भी उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं जबकि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है। इस मौके पर अजय पोरवाल, गोपाल नागर, विनोद जैन, बतूल हबीब, मदन बाबरवाल के साथ वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती और वार्ड 67 के ही मोहन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। अटे ये पेड़ पौधा की या की लाइटा की और बोला थे अनसंत को, बोले क्योंकि तुम तो रोड ले जाकर थाना बंद कर दे। पहली मेरे बेटा को थाना बंद कर दिया ले जाके। किसको बंद किया? लड़के को करया बंद। हाँ, लाइटा की बोलिया, जब लाइटा बोलिया तो झूठ बोल गया सब। हाँ के मेरी लुगाई के बातें पड़ गया ऐसे छेड़ते। हाँ, और रोड के ऊपर है आदमी हो और तो ही कोई नहीं। फिर वे दूध वाली घूमटी वाली वह घूमटी वाली ही वह बोली कि इससे लुगाई थी कोई नहीं और झूठ बोल गई वह। हाँ, फिर भागी थकी यहाँ पे आई, गाड़ी गलोज भी काटिया फिर ही। फिर अरे लागे कहीं खास यहाँ के बाद जवाई बेना लागे, भाई बहन लागे, ये रिश्तेदार है या पार्षद और ये आदमी भाई लागे जो तो जो ऐसा बोलियो। तो हम जब भी बोलते हैं पार्षद को जाके कि भाई हमारे पारत की सफाई कराओ, पारत में ये समस्या है, ये समस्या है, तो बोले कि हम नहीं जानती क्या, आप तो संदेश को वो करते हो तो संदेश को जाके बोलो, वह नजर निगम में जाके बोलो। जब भी जाते हैं तो ऐसे ही बोलती है, तो हम सरती नहीं हो तो वह ड्यूटी पर चल जाती है सुबह 10 बजे। तो अब समस्या हमारी समस्या किसको बताओ, साल भर हो गया क्या लाइटें बंद पड़ी है। और एक बार लाइटों के लिए बोला था तो उसने झगड़ा किया हमारे से, क्या है क्या हमारे से लाइटें मार पीट सरना साजना थाने में सरवाना साजना ऐसा करने लगी हो तो क्या है? क्यों और बोलती है ये तो संदेश का वार्ड है हमारा, हम नहीं जानती। जो स्थानीय पार्षद है उसका नाम कुसुम पवार, उन्होंने आरोप लगाया मेरे अंकल पे कि उसको छेड़छाड़ करी ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस समय, कुसुम पवार यहाँ पे थी नहीं, वो उस समय कुसुम पवार उसकी ड्यूटी पे थी। दूसरी चीज़, उसका जो हस्बैंड है वो ड्रिंकर है, अभी भी आप चाहें तो चौराहे पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होगा, वो ऑटो चलाता है। उससे थोड़ी सी बहस हुई थी कि हमारी लाइटें क्यों नहीं चालू हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसने पार्षद ने छेड़छाड़ का मुकदमा करके और मेरे अंकल को पुलिस में करवा दिया। मेरी वाइफ कंचन कुमार राठौड़ इसी वार्ड से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, लगभग 35 वोटों का हमारा डिफरेंस रह गया था, मगर फिर भी जिन लोगों ने हमको वोट दिए हैं तो किसी की नाली की प्रॉब्लम है, किसी की रोड की प्रॉब्लम है, तो इस तरह से विभिन्न छोटी मोटी जो समस्या इस कोरोना काल में हुई, किसी को राशन की थी तो उसमें भी भेदभाव किया गया, जो जो भी कांग्रेस समर्थित या ऐसे जो लोग थे उनको राशन किट की भी वो नहीं कर पाए, और जो कोई राशन के लिए गए तो पुलिस बुला के उनको अरेस्ट करवाने के लिए कहा गया। एक हमारे ये साथीगण हैं तो एक बार यहाँ लाइट बंद थी तो ये चालू करवाने गए, नरेंद्र जी करके यादव हैं इनके अंकल हैं, तो वो गए तो उनको फिर भाई मेरे साथ बदतमीजी की यूं करके शायद थाने में भी बंद रहे। फिर यहाँ इस क्षेत्र के करीबन 100-200 महिलाएं और 100-200 पुरुष फिर थाने भोपाल थाना पहुँचे और फिर वो सीआई से बात करके उनको छुड़वाया था। तो हम जब किसी भी पार्टी से हों, चाहे कांग्रेस के लिए होते हैं, उस क्षेत्र के समस्त लोग, उसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में अगर आप खुद भी देखेंगे, रोडें खराब पड़ी हुई है, नालियाँ पूरी भरी हुई है, कर्मचारी को अगर हम कहें कि नाली निकाल दे भैया तो ये मेरा काम नहीं है, और ये पूरे क्षेत्र में मतलब अव्यवस्था ही है। ये 2 सालों में जो जो भी लोगों ने हमको सपोर्ट किया था वो लोग, और जिन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया वो लोग भी कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि वो लोग काम नहीं करा पा रहे हैं।
समझ से जब पानी भर घर के बाहर नदी बस लाके नाचो घर या त्रिपुरा माता जैसे हवा चलेगी पूरे हमारे घर पे झुकेगी तो कैसे कांग्रेस दे देगी कैसे दे देगी बताओ कौन देगा पैसा मान से जानवर मर जाएगा इंसान मर जाएगा जहर से हवा चलेगी। 70 साल की फीफड़ी है यार कोई आज की थोड़ी किन्हें भी क्या बटे जाके आया बटे भी दरखास्त दी कोई सुनाई नहीं करी आ रही नहीं कोई छांग सड़क रोड का छोड़ी आती है या छोड़ के दिया संग बनिया बात नहीं क्यों क्यों छोड़ी मन कहीं पर ज्यादा बोला तो सीधा थाना बेटा ले जाओ उसको पकड़ के आदि और लुगई हो वो जोर है वंडकन दोस्त और कहीं जोर नहीं वंडकन ठीक है। वार्ड 67 में खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है। यहाँ के कोई निवासियों ने हमारे को सवरत पार्षद का जो दल है उनको ये शिकायत की कि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपने कांग्रेस को वोट दिया इसलिए हम आपकी तरफ काम नहीं कराएंगे। हमारा सारा पार्षद दल यहाँ पे आया लाइटों की हालत देखी हमारे गोपाल जी नागर और बतुल हबीब जी ने लाइट वाले को बुलाया है और हाथों हाथ लाइटें ठीक कराई है। फिर यहाँ पे रहने वाली महिलाओं ने बताया कि इस गली के अंदर हम लोगों का सीवरेज का कनेक्शन नहीं हुआ है। मैंने अभी स्मार्ट सिटी के जो एक्शन है उनको कह दिया है वो उन्होंने कहा आपके जिसके जिसका कनेक्शन नहीं हुआ उसकी लिस्ट और मोबाइल नंबर हमें दे दें हम हाथों हाथ काम कराएंगे। सड़कों की हालत यहाँ पे ख़राब है। पार्षद जीतने के बाद कांग्रेस बीजेपी उनको नहीं करना चाहिए फिर भी वो कर रही है ये ठीक नहीं है। हम इसी तरह से हमारा पार्षद दल उदयपुर के सभी वार्डों में जाएगा जहाँ पे पार्षद से पब्लिक असंतुष्ट है। मैं फिर नगर निगम के अधिकारियों को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और राजनीति की बात करें उसके बाद शहर के विकास में हम जो पार्षद दल है हम कांग्रेस पार्टी है हम भी आपके साथ हैं और आप भी हम आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ रहें। धन्यवाद। मनोनीत पार्षद बनने के बाद उदयपुर के कई वार्डों में जाने का अवसर मिला चाहे जड़ों की बोलो चाहे घड़े देवरा हो चाहे चांदपोल हो या नागर नगरी का क्षेत्र हो इन भाजपा के पार्षदों में मैंने एक चीज़ नोट की है कि कांग्रेस समर्थित जो वोटर्स हैं उनके कार्यों को लिंगरोन करना उनके कार्य नहीं करना उनको हीन दृष्टि से देखना जबकि होना है चाहिए कि चुनाव होने तक हमारा पार्टी का सिंबल और हमारा काम पार्टी के प्रति समर्पित होना चाहिए। लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और दायित्व बनता है हर व्यक्ति तक हम पहुँचें और उसकी समस्या का समाधान करें। आज कृष्णपुरा अलीपुरा वार्ड में जब हम आए यहाँ इन माँ बहनों की व्यथा जो मैंने सुनी वास्तव में मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो पार्षद है उन्होंने अपने सिर में बीजेपी को चढ़ा रखा है। आज कई लाइटें बनती लोगों के सीवरेज कनेक्शन नहीं है जब स्मार्ट सिटी की बातें कर रहे हैं और सीवरेज कनेक्शन नहीं है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सड़कों की हालत आप स्वयं देख रहे हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं आपने लोगों की व्यथा सुनी। आज लोगों के यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि उदयपुर की जनता को राहत देने का प्रयास करें। हमारी सरकार को अशोक गहलोत की सरकार जो बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत सी मशीनें इनको दी है साफ सफाई के लिए वो भी आज झूला खा रही है। तो मैं कह रहा हूँ चेतावनी भरे शब्दों में कह रहा हूँ हमारी सरकार को बदनाम करना बंद कर दिया। अशोक गहलोत ने जो कार्य किए हैं पूरी हिंदुस्तान में आज अशोक गहलोत जी की वाह वाह हो रही है। अभी मनोनीत पार्षदों ने आज हमने इस वार्ड का दौरा रखा है और इस गार्डन में आए हैं। गार्डन में बड़ी अव्यवस्थाएँ हैं ये सारे पेड़ लग रहे हैं सफाई हुई नहीं है बरसों से यहाँ पे ये देख लो ये बारिश का मौसम है कोई बच्चे भी खेलते रहते हैं जीत जानवर होते हैं सफाई ढंग से करते नहीं है और ये झूले भी टूटे हुए पड़े हैं ये बच्चे खेलते हैं इनके लिए तोड़ के रख दिए यहाँ झूला लग रहा है वो भी टूटा हुआ है। लाइटें भी है नहीं यहाँ बहुत समय से लाइटें भी खराब पड़ी हुई है 6-8 महीने हो गए स्थानीय पार्षद भी यहाँ कुछ करती है नहीं और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो आज लोगों ने शिकायतें की थी तो हम दौरा करने आए हैं और ये देख रहे हैं अभी ये जो अव्यवस्थाएँ हुई है ये फ़ोन किया अधिकारी आ रहे हैं मौके पे बुलाया है और इनका अभी हम करा रहे हैं सब। देखो मैं यहाँ का वार्ड अध्यक्ष हूँ उस शक्ति केंद्र प्रभारी भी हूँ जहाँ तक एक पार्षद काम व्यवस्थित रूप से काम हो रहा है लोगों की जल्दीबाजी हो रही है कि भाई वो तो कह रहे हैं आज हम काम वो तो कल काम होना चाहिए। कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी आई है रोड मोहल्ले में जो रोडें बनी भी है 3 रोड हमने बनाई हर वार्ड में नगर निगम ने 2-3 रोडें दी अभी तक फिलहाल सब तरह रोडें इन्होंने दी नहीं है
तो बजट के हिसाब से भी काम चल रहा है, कोई स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है, तो कोई स्मार्ट सिटी में काम होगा तो उसके साथ हो जाएगा। तो कुछ रोडें ऐसी हैं जो पार्षद ने भी अवगत कराया है, नगर निगम ने भी संतुष्ट जवाब दिया है कि जैसे अपने बजट आए अपने कराएंगे, कोई काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, दिन रात घूम रही है। अभी आप 4 दिन पहले देख लो, रात को कोई पार्षद 10 बजे घर से बाहर निकलता है क्या? लेडीज पार्षद होते हुए उन्होंने रात को गाड़ी मंगवाई है, जो लाइटें जो बंद थी उनको ठीक करी, व्यवस्थित रूप से ठीक करी है, वो साथ में खड़े रहकर जहाँ तक वो वहाँ तक लाइटें ठीक नहीं हुई वहाँ से हटी नहीं है, वो 11 बजे अपने घर पहुँची है। तो आखिर में जागरूकता से काम हो रहा है। अब देखो वार्डवासी भी देखो संतुष्ट है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको कहते थे कि काम नहीं हो रहा, तो इसमें भी पॉलिटिक्स राजनीतिक हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छी तरह हो रहा है। लाइट में तो ऐसा है कि मेरे पास प्रूफ है, ये जैसे ही हम लाइट जैसे स्टार्ट करते हैं और आंकड़े डालते हैं, और अभी आपको ले जाके मैं बता सकती हूँ आंकड़े डालने उससे क्या उड़ जाती है, तो जैसे लगाते हैं जैसे ही आंकड़े डाल के डालते हैं और ये लाइटें उड़ जाती है। रही गार्डन की बात, मैंने 3-4 बार सफाई करवाई लेकिन बारिश की वजह से वापस हो जाती है, और यहाँ के जो निवासी है वो अंदर गोबर थेपते हैं, कपड़े सुखाते हैं, मना करने पर भी जानबूझ के वो करते हैं, वही वाली बात है, सफाई कराएं तो भी वो उतने उतना ही रहता है। नहीं नहीं, ये सारी मिथ्या गलत है, जिसने बोला है वो सब झूठ बोल रहा है। मुकदमा यूँ हुआ, उसने मुझे कहा आजा सड़क पे तुझे नंगा करके खड़ा ये करूँगा, और मेरे जो चैनल आम है ऊपर चढ़ा हुआ था उसके निशान नहीं हटा दिया, वो करंट आ जाते तो उसके क्या हालत होती, और उसको मैंने ये बोला भैया आप अच्छे, मेरे पास सबूत है हर चीज़ का, जब उसने ये बोला ना तू सड़क पे आ जा तुझे नंगा कर दूंगा ये बोलने के लिए, मेरे हस्बैंड ने बोला कि इस तरह से कैसे बोल रहा हूँ नंगा कर दूंगा, तो मेरे हस्बैंड को धक्का दिया, मेरे हस्बैंड गिर गया, उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, ब्लड भी आया, इसका भी मेरे पास सबूत है। नहीं सारे नहीं, खाली जो कांग्रेस ही है 5-6 वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, और जो हमारे मेरे से जो अपोजिट लड़े थे कांग्रेस के वो हार गए, वो ही सबको भीड़ा बढ़ा के इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी सब कोऑपरेट कर रहे हैं अच्छे से। सीवरेज की समस्या तो कर्णेश जी मातृ को मैं करती हूँ बार बार, वो तो फटाफट आके सीवरेज के प्रॉब्लम सोल्व कर देते, और री पार्क की तो अभी बारिश की वजह से आप जितना सफ़र करेंगे वापस वो धोप तो उगी जाती है ना, और अभी क्या हमने वो कर रखा जिम के लिए दे रखा है मैंने, या फिर मैंने किसी से बात करके गोद ले ले तो, लेकिन गोद नहीं ले तो भी एक बार जिम बनाने के लिए तो मैं बड़ी फाटक निकालूंगी, इनको गोबर थेपने के लिए मना करते हैं तो वही लोग गुस्सा हो रहे, देखो अंदर कपड़े सूख रहे अंदर और गोबर थेप हुआ है। हाँ वो डम्बर जो बड़ा होता ना वो नहीं चढ़ सकता वहाँ, अब इतना तो कॉमन सेंस, अपने जैसे सड़क बनाते अपन उसके डम्बर के तो उसको वो चढ़ना जरूरी है ना, रोलर जो वो चढ़ता ना वो चढ़ना जरूरी है, वो नहीं चढ़ सका, इसकी वजह से काम वहाँ रुक गया है। पीपली के ऊपर की तरफ आप देखो भली वहाँ अगर डम्बर वो जो कुछ चढ़ाते ना उसके ऊपर तो वो नहीं चढ़ सकता, इसलिए रोकना पड़ा। नहीं पूरा पास हो गया ना, लेकिन मैं जो लोगों ने भी बोला बारिश की वजह से भी नहीं हो सकेगा, बारिश से ये डम्बर चिपकेगा नहीं उखल जाएगा, तो उनका अगस्त करवाओ। हाँ 100% हो गया, पास हो गया, पारा जी सबने पास कर दिया, और यही बोला कि मैंने कहा अभी लेके आऊँ तो सबने बोला नहीं डम्बर चिपकेगा नहीं, अगर डम्बर चिपका ना तो उखल जाएगा बारिश की वजह, रोज आप देख लो रिमझिम रिमझिम बारिश आ रही इसकी वजह से, वरना पास हो चुका है अपना बिल्कुल।